Hello everyone, praise the Lord. Very good morning, and I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, आप सभी को आत्मिक नाश्ता में मिलने में बहुत खुशी है। आज तो संडे है, आप सब चर्च जाने के लिए तैयार होगी। आप सब चर्च जाइए और अपनी पास्टर के अनुसार भगवान ने दिए गए वो वचन को सुनकर उसके अनुसार जीना बिताने के लिए कोशिश कीजिए। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमे के पुस्तक दूसरा अध्याय उसमें 17 और 18 वचन को ध्यान करने वाले हैं। और यह वचन ऐसा लिखा है कि यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। इस दो वचन में कहा गया है कि हम भाग्यवान हैं और हम आत्मिक यहूदी है, यानी स्पिरिचुअल ज्यूज है। जो भाग्य दुनिया के लोग को नहीं मिला है लेकिन हमें मिला है, वो भाग्य यह है कि हम यहूदी यानी यीशु को जानते हैं और हम भाग्यवान हैं। पहले हम यहूदी भगवान को जानते हैं और दूसरा हम भगवान के वचन के अनुसार जीना बिताते हैं। और जो भाग्य दुनिया के लोग में नहीं बल्कि हमें मिला है वो यह है कि हम यहूदी है, भगवान को जानते हैं और दूसरा हमको व्यवस्था या वचन को जानते हैं और उस पर हम भरोसा करते हैं। और तीसरा यह है कि हम परमेश्वर पर अभिमान है, यानी प्राइड है कि हम हमारे यीशु ही भगवान है और प्रभु के हर वचन हमें चेतावनी देकर हमें अच्छे रास्ते पर ले चलते हैं। ये सब हमारा भाग्य है। और 18 वचन पे ऐसा लिखा है कि हमारी भविष्य के बारे में भगवान हमें सब कुछ पता करते हैं, वो सब कुछ हमें बताते हैं। भगवान हम सबको इस दुनिया में कुछ काम के लिए ही भेजा है, कुछ ना कुछ उनके लिए करने के लिए ही हमें इस दुनिया में भेजा है। हम उसकी कृपा हम उसकी कृपा से इस स्थान तक हम पहुंचे हैं कि हम उत्तम बातों को ग्रहण कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा वाक्य है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यह कहना चाह रहे कि हम दुनिया के लोगों से उच्च है और हमारे लिए यीशु यह भाग्य दिया है और हम सब भाग्यवान है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें इस दुनिया में कुछ न कुछ अच्छे काम करने के लिए उनकी प्रिय करने के लिए ही भेजा है। इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।